हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं टेक एंड ट्रेवल वी में। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मेरे काफ़ी व्यूअर्स के कमेंट पर बेस्ड है, क्योंकि काफ़ी व्यूअर्स को दिक्कत आ रही है कि हम अपने सोलर पैनल का कनेक्शन कैसे करें, सीरीज करें, पैरेलल करें, और क्या हम कम वाट के पैनल को लार्ज वाट के जो पैनल हैं उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और यदि कनेक्शन करना है कैसे कनेक्शन करना है, सीरीज कनेक्शन करना है या पैरेलल कनेक्शन करना है। तो आज मैं इसी के बारे में एक एक पॉइंट आपको बहुत ही डिटेल से बताने वाला हूं, और इसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। जैसे कि यदि आप दो सोलर पैनल को अटैच करना चाह रहे हैं, तो इसमें क्या है कि मान लो दोनों ही 24 वाट के पैनल हैं और एक की VOC है 40 वोल्ट्स और दूसरे पैनल की VOC है लगभग 41 या 42 वोल्ट्स। तो आप इन दोनों सोलर पैनल को आप पैरेलल कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो VOC है लगभग सेम ही है। लेकिन यदि VOC में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जैसे कि एक पैनल की VOC है 40 वोल्ट और दूसरे पैनल की VOC है 50 वोल्ट, तो यदि आप इनको आपस में कनेक्ट करेंगे तो आपको प्रॉपर या मैक्सिमम वोल्टेज नहीं मिल पाएगा। और ऐसे ही यदि आप दो सोलर पैनल को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, और सीरीज में कनेक्शन के लिए एम्पियर सेम होने चाहिए, पैरेलल कनेक्शन के लिए VOC सेम होनी चाहिए। यदि आप सीरीज में कनेक्शन करेंगे तो सोलर पैनल की एम्पियर सेम होना चाहिए, जैसा कि एक सोलर पैनल का एम्पियर 10 एम्पियर है और दूसरे सोलर पैनल का जो एम्पियर है लगभग 11 एम्पियर है। तो आप इन दोनों सोलर पैनल को सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि एम्पियर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो आप इन दोनों सोलर पैनल को सीरीज में नहीं कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो आपको काफी पावर लॉस हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हम सोलर पैनल के कनेक्शन के बारे में देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल है, तो इसको आप बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं कि यह जो डायग्राम है पैरेलल कनेक्शन का है। हमेशा ध्यान रखिए कि पैरेलल कनेक्शन में हमेशा जो वोल्टेज हैं वो सेम रहते हैं, जैसा कि जो VOC है वो पैरेलल कनेक्शन में सेम रहती है, और एम्पियर जो करंट है वो ऐड हो जाता है। ओके, तो इस चीज का आपको तो फ्रेंड्स, यहां पर जो मैंने पैनल यूज किए हैं वह है 24 वोल्ट के, ठीक है, जिनकी VOC रेंज है 40, और एक के पैनल का जो करंट आउटपुट है वो है 10 एम्पियर। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सोलर इन्वर्टर है जिसकी VOC रेंज है 15 to 45, तो 45 से हमें ज़्यादा की VOC के पैनल इसमें कनेक्ट नहीं करने हैं। तो अगर हम इन दोनों पैनल को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो जो वोल्टेज 80 वोल्ट के आसपास बैठेगा जाके VOC, जिससे हमारा सोलर इन्वर्टर डैमेज हो सकता है। तो इसलिए हम पैनल को कनेक्ट करने के लिए हम पैरेलल कनेक्शन यहाँ पर करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में VOC सेम रहती है और एम्पियर ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैरेलल कनेक्शन किया है, पैरेलल मतलब नेगेटिव वायर को नेगेटिव से कनेक्ट किया है दूसरे पैनल के, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, और जो पॉजिटिव वायर है रेड कलर की, यह जो पॉजिटिव वायर है इसको मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये पैरेलल कनेक्शन हो गया। यहाँ पर VOC ओवरऑल जो दोनों पैनल की VOC सेम है, यानी 40 आ रही है, और यहाँ पर करंट ऐड हो जाता है। तो इस तरह से हम इन दोनों पैनल को इस सोलर इन्वर्टर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह तो है 24 वोल्ट का सिस्टम, ठीक है। अगर आपके पास 12 वोल्ट के पैनल हैं तो उनको आप इसी इन्वर्टर से कैसे कनेक्ट करेंगे, तो चलिए फ्रेंड्स आइए ये भी देखते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि अगर आपके पास 24 वोल्ट के पैनल हैं, अगर 12 वोल्ट के पैनल हैं, तो उनको आपको सेम इन्वर्टर के साथ कैसे कनेक्ट करना है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो एंड तक देखिए वीडियो को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह डायग्राम है सीरीज कनेक्शन का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेम इन्वर्टर है UTL गामा प्लस, जिसकी VOC रेंज है 15 to 45। तो यहाँ पर हमारे पास 12 वोल्ट के पैनल हैं, 12 वोल्ट के पैनल हैं, तो अगर हम 12 वोल्ट के पैनल को अगर हम पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो VOC तो ओनली 20 वोल्ट ही रह जाएगी, 20 वोल्ट VOC। अगर इस पर हम लोड डालेंगे तो और कम हो जाएगी VOC। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें वोल्टेज की भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है। तो वोल्टेज को हम मेंटेन करने के लिए इन दोनों पैनल को हमें सीरीज में कनेक्ट करना है, क्योंकि यह पैनल है 12 वोल्ट के, ठीक है। तो इसलिए हमें वोल्टेज को मेंटेन करेंगे, तो अगर हम सीरीज में इन दोनों पैनल को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर 20 वोल्ट VOC ये ऐड हो जाएगी,
और एम्पियर ये सेम रहेंगे, ये सेम रहेंगे। तो यहाँ पर VOC हो गई 40 वोल्ट्स और जो एम्पियर है वो बिल्कुल सेम हो गया। तो यह जो कॉन्फ़िगरेशन है सीरीज कनेक्शन 12 वोल्ट के लिए UTL काम प्लस के लिए बेस्ट है। इसमें आपकी बैटरी का वोल्टेज मेंटेन रहेगा और बैटरी चार्ज भी प्रॉपर तरीके से होगी और ओवरऑल वोल्टेज हमें यहाँ पर 200 वाट मिलेंगे। बैटरी को चार्ज करने के लिए वोल्टेज और एम्पियर दोनों ही यूजफुल रहते हैं। अगर वोल्टेज कम होंगे तो बैटरी चार्ज में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, काफ़ी टाइम लगेगा बैटरी को चार्ज करने के लिए, और अगर एम्पियर होंगे तो भी बैटरी को चार्ज करने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको मेंटेन रखना है वोल्टेज और एम्पियर को। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि अगर आपके पास 12 वोल्ट या 24 वोल्ट के पैनल है तो आपको इन्वर्टर के साथ कैसे कनेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि प्रोसेस UTL गांव प्लस में, वैसे ही प्रोसेस सभी इन्वर्टर्स में होता है। सभी इन्वर्टर की VOC रेंज आप देखकर उसमें आप पैनल को कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह जो डायग्राम है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का है। मान लो आपके पास 24 वोल्ट का एक सोलर पैनल है और आपके पास दो 12 वोल्ट के सोलर पैनल हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या है कि VOC रेंज हमें मैक्सिमम लेनी है, तो इसलिए हम यह जो सोलर पैनल हैं इनको सबसे पहले हमें सीरीज में कनेक्ट करना है। सीरीज में कनेक्ट करने के लिए जो वोल्टेज हैं वो ऐड हो जाएंगे, तो हमारा जो वोल्टेज सीरीज कनेक्शन में 40 वोल्ट के आसपास होगा और जो करंट है वो सेम रहेंगे। ठीक है, तो यह जो पैनल हैं वो जिनकी VOC अब सेम हो गई। तो हमेशा ध्यान रखिए कि पैरेलल कनेक्शन में हमें VOC सेम लेना होता है और सीरीज कनेक्शन में हमें एम्पियर सेम लेना होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर VOC सेम है और यह जो 24 वोल्ट का जो सोलर पैनल है इसकी VOC 40 है और जो 12 वोल्ट के पैनल का हमने सीरीज कनेक्शन किया है इसकी भी VOC 40 है। तो यहाँ पर इनको हम पैरेलल कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने सीरीज बनाई है इसका नेगेटिव वायर को हम यहाँ जो 24 वोल्ट का पैनल है उसके नेगेटिव वायर से कनेक्ट करेंगे यहाँ पर, और जो पॉजिटिव वायर जो आ रहा है सीरीज कनेक्शन से उसको हम 24 वोल्ट के पैनल के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे सोलर इन्वर्टर में और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे सोलर इन्वर्टर में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखिए कि ओवरऑल जो VOC है, यहाँ पर हमने सीरीज कनेक्शन के बाद पैरेलल कनेक्शन किया है, यहाँ पर VOC हमें 40 मिल रही है और जो एम्पियर है वो 15 यहाँ पर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो 5 एम्पियर हैं जो सीरीज जो हमने बनाई थी वहाँ से हमें 5 एम्पियर मिल रहे हैं और यहाँ पर जो हमने पैरेलल कनेक्शन किया है जो हमारे पास 24 वोल्ट का पैनल है इससे 10 एम्पियर इसमें ऐड हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 15 एम्पियर। तो यहाँ पर जो ऐड हुए हैं 5 + 10, तो हमें 15 एम्पियर यहाँ पर हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको कनेक्शन करना है सोलर पैनल का। तो काफ़ी कंफ्यूजन था, तो फ्रेंड्स आइए अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल करके कि आपको किस तरह से सोलर पैनल का कनेक्शन करना है। इन्वर्टर से फ्रेंड्स अपने सोलर को कनेक्ट करने से पहले सबसे पहले आपको मल्टीमीटर से चेक कर लेना है कि इसमें कितना वोल्टेज और कितना एम्पियर आ रहा है, इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये है मेरे दो सोलर पैनल, फर्स्ट है ल्यूमिनस का 370 वाट मोनो पर्क सोलर पैनल और दूसरा है लूम सोलर का 375 वाट मोनो पर्क सोलर पैनल। तो इन दोनों की वायर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यह वायर निकल के आ रही है जंक्शन बॉक्स से सोलर पैनल के, और यह है लूम सोलर का देखिए, और इनको लगभग मैं 8 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इन दोनों सोलर पैनल का जो पॉजिटिव एंड है मैंने पॉजिटिव MC4 कनेक्टर 3-in-1 MC4 कनेक्टर से कनेक्ट किया हुआ है और नेगेटिव एंड को 3-in-1 MC4 कनेक्टर में कनेक्ट किया गया है। तो यह कहलाता है पैरेलल कनेक्शन, मतलब पॉजिटिव को एक MC4 कनेक्टर में कनेक्ट किया जाता है, पॉजिटिव जितनी वायर है, और नेगेटिव वायर को एक MC4 कनेक्टर में कनेक्ट किया जाता है। तो और ये MC4 कनेक्टर मेन वायर से कनेक्ट हो रहे हैं, जैसा कि नीचे की तरफ जो मेन वायर है उसमें जो MC4 कनेक्टर का कनेक्शन है देखिए यहाँ पर। और जैसा कि मैं आपको एक पैनल का जो VOC है 44.5 है और एक पैनल 9.9 एम्पियर करंट को जनरेट करता है, लगभग 9 एम्पियर के आसपास करंट को जनरेट करता है, और यह मेन वायर जिसमें MC4 कनेक्टर का कनेक्शन है। तो फ्रेंड्स चलिए अब इन्वर्टर में हम देखते हैं
कि इसमें कितने एम्पियर और कितनी वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं। देखिए मैंने पैरेलल कनेक्शन किया है तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो सेम ही रहेगा, लगभग 35 के आसपास यह वोल्टेज अभी जनरेट कर रहा है। देखिए 36 के आसपास यह वोल्टेज अभी जनरेट कर रहा है क्योंकि मैंने पैरेलल कनेक्शन किया है, यहाँ पर मैंने लोड भी अप्लाई किया हुआ है, इसलिए अब ये सर्किट में आ गया तो इसका वोल्टेज थोड़ा कम हो जाता है। और यहाँ पर जो टोटल एम्पियर है वो 8.4 एम्पियर ये शो कर रहा है, 9 एम्पियर शो कर रहा है। और फ्रेंड्स लूम सोलर के 530 वाट के पैनल के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है और यहाँ पर आप बैटरी को 10 ईयर्स कैसे चला सकते हैं इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। और यहाँ पर यह शार्क का 440 वाट का पैनल है, बहुत ही अच्छा पैनल है, काफ़ी अच्छी आउटपुट जनरेट करता है। और यहाँ पर स्मार्टन 2.5 केवी का चीप एंड बेस्ट सोलर इन्वर्टर है और यहाँ पर स्मार्टन प्राइम प्लस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। इन सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। यदि मेरे द्वारा दी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल के बारे में, इस वीडियो के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।